हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत क्विक और बहुत इजी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएंगे जो कि है चीज़ चिली टोस्ट। बच्चों को और स्पेशली बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मैं अपनी वीडियोज़ आप तक शेयर कर सकूँ। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है कुछ सब्जियाँ, जैसे कि सबसे पहले एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ले ली है। ये देखिए, हमने इसे बारीक काट लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, उसे भी हम एक बर्तन में डाल देंगे शिमला मिर्च के साथ। नमक, थोड़ा सा पिंच नमक डालेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ यूज़ करेंगे और चीज़ में भी नमक होता है। अब हमने यहाँ पे ग्रेटेड प्रोसेस चीज़ ले ली है, वो डाल दी। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहें तो 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। अब जो हमारे स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है, ये मिक्सचर हमारा बन चुका है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर वाइट ब्रेड स्लाइस ले ली। आप चाहें तो इसके ऑप्शन में ब्राउन भी ले सकते हैं। हरे धनिए की जो ग्रीन चटनी होती है वो अब हमने इसमें अप्लाई कर दी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्ट्रीट फूड स्टाइल बना रहे थे, हम इसमें हरे धनिए की चटनी अप्लाई करेंगे। एक्चुअली आज मुझे थोड़ी सर्दी है तो मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट इट्स ओके। अब हमने दोनों ब्रेड साइड्स पे इसे अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो इसके ऑप्शन में टोमेटो केचप या मियोनीस भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हम इसमें फिल कर लेंगे, अच्छे से फिल करेंगे। ये देखिए, अब हमारी जो स्टफिंग है एक ब्रेड में अच्छे से फिल हो चुकी है, तो दूसरी ब्रेड से हम उसे कवर कर लेते हैं, प्रॉपरली प्रेस कर लेंगे। अब हम इसे इसी तरह से सारे सैंडविचेस बना के साइड में रख लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक टोस्ट मेकर ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं, पर स्ट्रीट फूड स्टाइल बना रहे हैं तो इससे ये बहुत ही अच्छा टेस्टी सा क्रंची सा बनकर तैयार होता है। अब इससे पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे मेन इंग्रेडिएंट है बटर। हम इस टोस्ट मेकर में अच्छे से चारों तरफ बटर अप्लाई करेंगे। बटर ज़्यादा और अच्छे से अप्लाई करेंगे कि जो हमारा टोस्ट है वो चिपके ना। ये देखिए, प्रॉपरली सारे कॉर्नर्स पे अप्लाई कर दिया, दोनों साइड अप्लाई करेंगे। थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपकी जो ब्रेड है वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे प्री हीट नहीं किया, उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर कच्ची सब्जियाँ यूज़ की हैं। अगर हम इसे प्री हीट करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी से बाहर से टोस्ट हो जाएगा पर अंदर से इसकी सब्जियाँ थोड़ी कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हमने इसे प्री हीट नहीं किया। अब जो हमने सैंडविचेस में डाल दिया, सीधा हम इसे बनाना शुरू करेंगे। गैस चालू कर लिया मैंने, उसे रख लेते हैं। दोनों तरफ से हमें इसे सेकना है। एक बात और ध्यान रखनी है, हम इसे बीच बीच में खोलकर चेक करते रहेंगे। ये देखिए, अब मेरा एक साइड से टोस्ट हो चुका है तो मैं दूसरे साइड से टोस्ट कर लेती हूँ इसे। अब फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी चीज़ भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी होगी और ये बाहर से अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन टोस्ट भी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप देखिए, दोनों तरफ से कितना ब्राउन क्रिस्पी एंड यम्मी सा बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर